अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। वीडियो आपके मकसद की है, सोलर सिस्टम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 8 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं और 1.5 किलोवाट की मोटर चलाई है। VFD लगा कर आगे फिल्टर लगाया जो कि घर का लोड चलाएगा हमारा। ये 8 सोलर पैनल्स हैं जिनको कंपनी के 550 वाट के, 550 वाट के। इन सोलर पैनल्स की जो नीचे से कंडीशन है, ये सब MC4 में लाए हैं। और MC4 में लाने के बाद जो लास्ट 2 MC4 बचे हैं, जम्मू मनफी के नेगेटिव पॉजिटिव, उनकी MC4 लगा कर अपनी जो वायर्स हमारी मेन DP के पास जानी है, उनके साथ 6 mm की हमने वायर लगाई और MC4 लगा कर कनेक्ट किया। ये सब पैनल सीरियस कनेक्शन में किए गए। और जो हमारी मोटर है, आपको बताता चलूँ, ये 1.5 किलोवाट की हमारी मोटर है, सबमर्सिबल पंप। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको इंस्टॉल कराना हमने। और अभी कुछ वेदर लो है, स्लो है, जो सूरज नहीं है। अभी चलते हैं VFD वाली साइड पर, बोर्ड साइड पर, वहाँ पर आपको दिखाते हैंगे। तो दोस्तों, ये हम अंदर आ चुके हैं। ये इंस्टॉलेशन हमने की है बोर्ड्स की, VFD की, फिल्टर की और मोटर बोर्ड की, सोलर ब्रेकर की। ये सबसे पहले हमने VFD इंस्टॉल की है, 7.11 किलोवाट की। ये DB बॉक्स इंस्टॉल किया है जो कि रात टाइम बिजली पर चलाने के लिए, चेंजओवर वगैरह, ऑपरेशन वगैरह लगाई है, और दिन टाइम सोलर पर चलाने के लिए। ये फ़िल्टर हमने इंस्टॉल किया, जो कि आपको बताते चलूँ, इस फ़िल्टर का मकसद VFD में से जो वोल्ट निकलते हैं वो 0 स्टार्ट होते हैं। ये फ़िल्टर जो है आपके 220 आउटपुट देता है, तो इसलिए ये फ़िल्टर लगाया गया है। आप से इससे काफ़ी अशिया चला सकते हैं, लाइटें, पंखे वगैरह। VFD पर सिर्फ मोटर चला सकते हैं। इसके बाद वो एंड में ये हमारा मोटर का बोर्ड आ गया। इसके साथ हमने वापडा की एक सॉकेट रखी है और एक सोलर की, जो कि दिन टाइम सोलर पर चलाएंगे मोटर बड़ी, और शाम टाइम वापडा पर चलाने के लिए। और ये सोलर का ब्रेकर आ गया हमारा मेन, 63 एम्पीयर का स्नेडर कंपनी का हमने ब्रेकर यूज़ किया। डगपट्टी हमने लगा कर अच्छे तरीके से इस्तेमाल की, 40x40 की डगपट्टी हमारी, और स्प्रिंग पाइप लगा कर तरीके से अपने काम को खूबसूरत बनाने के लिए इंस्टॉलेशन किया। अगर आपको हमारे काम की खूबसूरती पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको इंस्टॉलेशन कराने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल से।